नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। पत्रकार जी, आज बहुत बड़ा दिन है और देखिए आज मंत्रालय बीजेपी ने बांट दिए। जैसा कि तय था, सहयोगी दल को बड़े मंत्रालय नहीं दिए गए, वापस रिपीट मोड ऑन करती नजर आ रही है बीजेपी। और बता दें आपको, बड़े मंत्रालय जहां पर कृषि, बातचीत कर रहे वित्त मंत्रालय, गृह विभाग, सब वापसी किए गए हैं। लेकिन इसमें बड़ा नाम शिवराज सिंह चौहान का, और हो भी क्यों ना, अभी सबसे कद्दावर नेता। और देखिए सही में वापसी अगर बातचीत की जाए तो शिवराज सिंह चौहान ने सबसे अहम यहां पर योगदान दिया। और देखिए लाडली बहन योजना ने कमाल कर दिया, क्लीन स्वीप किया नजर आए। अब मैं आपको बता दूं कि गृह मंत्रालय अमित शाह को दिया गया और इसके साथ वित्त मंत्रालय वापस रिपीट मोड ऑन, निर्मला सीतारमण डिफेंस वापसी, राजनाथ सिंह की दमदार डिफेंस मिनिस्टर हैं। और देखिए यहां पर बातचीत की जाए तो एस जयशंकर वापस विदेश मंत्रालय। इसी बीच ममता बनर्जी बौखला गई हैं। और पत्रकार जी बताइए, ममता बनर्जी कह रही है शपथ ग्रहण समारोह में एक अंधेरे कमरे में बैठी रही, मोदी को इस्तीफा देना चाहिए, बीजेपी की वैसाखी की सरकार है। तो क्या लगता है, ममता बनर्जी के बयान से कुछ चंद सीटें जीत गई तो वापस से अहंकार बढ़ गया, कैसे होगा? पत्रकार जी, ऐसे एक मुख्यमंत्री के ऐसे बोल पर, लोकतंत्र की बात ये करते हैं और लोकतंत्र में आपने कल देखा जैसे ही शपथ ग्रहण हुआ मल्लिकार्जुन खड़गे उठकर चले जाते हैं। और आज बीजेपी के प्रवक्ता क्वेश्चन पूछ रहे थे कि संविधान की बात करने वाले कांग्रेसी आज कहां गायब थे जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, राहुल गांधी की कुर्सी खाली रह गई। क्या कहेंगे पत्रकार जी ममता के बारे में और राहुल गांधी के बारे में? देखिये ऐसा है, ममता बनर्जी का जो है वो बात सही है, सागरिका घोष ने कहा, वो भी बेचारी थी वहाँ पर, तो झूठ नहीं बोलती हैं, वो वहाँ पर थी, बत्ती इत्ती बंद कर दी गई थी, पंखा का पूरी लाइटें बंद कर दी गई थी, मतलब मीटर ऑफ ही कर दी गया सब लाइटें, तो गर्मी एक तो बहुत थी और इधर बहुत ही ज़्यादा है। उनकी भी मजबूरी थी, बड़ी बात ये नहीं थी मोदी जी, बड़ी बात ये थी मोदी जी ने बुलाया नहीं, उससे बड़ी बात थी खड़गे जी ने नहीं बुलाया, खड़गे जी अपना सोच रहे थे कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। अगर ये ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री के रूप में कहते हैं तो एक बार विपक्ष तैयार होता, बेचारी ममता इसीलिए बैठे थे। ममता जी ये भी कहती नहीं कि मेरे साथ 42 MP हैं, हालांकि वो अपनी जगह सही कह रहे थे, 42 MP ऐसे है कि 29 MP उनके लोकसभा के और 13 राज्यसभा के, आज सबसे ज़्यादा उनके पास है, वो सही कह रहे। उधर अखिलेश भी बैठे थे, अखिलेश की भी अपनी सोच थी कि चलिए कोई बात नहीं, हमारे पूज्य बाप जी नहीं बन पाए तो मैं ही बन जाऊं। मगर सवाल इस बात का था अखिलेश के लिए, जैसे मुलायम सिंह जी के लिए लालू थे, अकेले लालू ने नहीं बनने दिया, अकेला लालू, और ऐसे अखिलेश को बहुत लोग नहीं बनने देना चाहते थे। अब इनकी भी, इनको इधर भी नहीं बुलाया गया, उधर भी कहीं नहीं, तो वो एक कहावत है कि बताते हैं कि सारी बत्ती पंखे के बंद कर दिए गए, भयंकर आपसे पसीना निकल रहा था गर्मी में और आंसू भी टपक रहे थे, आंसू भी टपक। सागरिका घोष जी सही कह नहीं, अगर ममता बनर्जी इस्तीफा दे देती, राजनीति से संन्यास ले लेती तो सागरिका घोष आगे बढ़ जाती, ये लेडीज TMC का नेतृत्व कर सकती है और इनके साथ है राजदीप जैसे लोग, ऐसे पत्रकार जो आप समझ लिए एक झंडा लेके चल सकते हैं। और राजदीप में जी में क्षमता है कि कांग्रेस का TMC का झंडा लेकर के ये चल सकते हैं। अब समस्या ये है कि जरूरत है देश में राष्ट्रीय झंडा लेके चलने की, वो कुब्बत नहीं है लोगों के अंदर। तो सही कह रहे, ममता बनर्जी बेचारी रोई भी बहुत, रोई इसका किसी ने बुलाया नहीं, उन्होंने नहीं बुलाया, फिर उन्होंने ये भी कहा ये सरकार चली जाएगी, सत्यानाश हो जाएगा, पहले गिर जाएगी, इन्होंने कहा। तो जब इन्होंने कहा तो इनको, सागरिका जी को भी हल्की से हंसी आई कि अभी तक जितने लोगों ने कहा था साड़ी की भविष्यवाणियाँ, एक दिल्ली में था उसने भी कहा था सोमनाथ भारती ने कि मैं अपने सिर के बाल मुड़वा लूँगा, उसको लोग ढूंढ रहे हैं। और आप पार्टी ने कह दिया, केजरीवाल ने जेल से खबर भेजी सुनीता जी ने, कहीं जाना नहीं, सर को बंद करके रखना, इसमें हेलमेट लगा के रखो या सर बांध के, कहीं पता चला पब्लिक पकड़ के ना सर के बाल बनवा दे, चूँकि इन्होंने कहा था बना। यही ममता बनर्जी कह रही थी सरकार नहीं चल पाएगी और सरकार गठन नहीं हो पाए, किसी दूसरे को बना दो। ममता बनर्जी अपने आका से नहीं कह पाई, सोनिया जी से, राहुल जी से कि मुझको बना दो। आपको बता रहे हैं कि 240 और 234 में कितना अंतर, कम था अंतर। मगर कांग्रेस ने क्या किया, खड़गे सिर्फ अपने सोचते रहे, सोनिया जी ने देखा मेरा लड़का नहीं बनेगा तो हम किसी को नहीं बनने देंगे।
तो ये सही है कि ममता बनर्जी रोई हैं, अश्वन बीज रोई, छुप छुप मेरा रोए, एक गाना जो नहीं बिल्कुल ये पोई। दूसरी बात, जब वो रोई हैं तो आपको बताना है कि वहाँ कुर्सी वगैरह और जो पिलर वगैरह ऐसे ऐसे कल नहीं थी, मतलब वो थोड़ा सा बड़ी द्रवित थी, द्रवित होकर के सब नोच रही थी। जैसे कोई बहुत बड़ा नेता होता है तो जब गुस्सा जाता है, खिसिया जाता है, तो खम्बा या पिलर नोचने लगता है, तो उनकी भी यही पोजिशन थी, वो बड़ी हिल रही थी। अच्छा, हिलने की बात थी, एक तरफ उनका आसियाना जल रहा, उधर पता चला मोदी कुर्ता पैजामा पहन के, एक हाफ कोट पहन करके और अपने शपथ लेने जा रहे हैं। साथ में उनके 240 सांसद थे, सब मंत्रिमंडल गठित कर लिया, एक एक आदमी को कर लिया। दूसरी बात आपको क्या थी, ये बिल्कुल सच बात है जो उन्होंने कही, वहीं पे आपको बताना है, ममता बनर्जी इसलिए भी नाराज़ थी कि चौधरी ने कह दिया, रंजन चौधरी ने, कि तुमने मुझे हराया और मैं भी तुमको यहाँ से हटा के रहूँगा, अगर तुमने मुझे हराया तो मैंने तुम आपको ही भगाया, ये भी निश्चित समझ लीजिए। उसने साफ शब्दों में कह दिया है कि दूसरी ममता बनर्जी इसलिए भी होती कि अब ममता बनर्जी के साथ कांग्रेस ये जान गई है, कांग्रेस और कम्युनिस्ट इनके साथ कभी नहीं समझौता, आज की डेट में चुनाव हो जाए ममता बनर्जी हार जाएंगे, चूँकि बहुत बड़ा छल हो गया है। और ये तीनों लोग अब समझ पाए हैं, कांग्रेस की वो हो गया, रंजन जब हार गए, कम्युनिस्ट के सब हार गए, तो इन्होंने कहा इससे ज़्यादा बेटर है अब TMC हराओ अभियान का। ममता बनर्जी ने एक नारा वहाँ दे दिया, BJP हराओ, तो हुआ क्या, TMC के कार्यकर्ता, ये सब अधीर रंजन ने कहा है, TMC के कार्यकर्ता, कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ता और ममता बनर्जी का ये हुआ कि जो BJP से लड़ रहा उसको दे दो। हकीकत में TMC के कार्यकर्ता लड़ रहे थे, TMC नेता, लोगों ने TMC, मगर ये एक्चुअल वोट TMC का नहीं है, इसमें कांग्रेस और उनका जुड़ा, यही एक वजह है कि इतने कम वोटों से ये बुरी तरह से हार गए। दूसरी आपको बता दें कि इन्होंने कहा था कि अयोध्या में हार गए, वाराणसी में, इस सागरिका घोष का नहीं, मगर कुछ ये भी है, चूँकि इन लोगों पास कोई खबर नहीं थी, सागरिका घोष इसमें राजनीति में लगी, हो सकता है ये चीज़ उन्होंने एक जैसे नहीं होता न्यूज़ को बनाना, फुलझड़ी छोड़ देना या एक पटाखा छोड़ देना, ये भी हो सकता है, बंद कमरे में हो, इधर बेचारी थकी हो, तो जब सो के उठे तो उन्होंने एक नई ये पहली बुझा दी, ठीक है। और सागरिका घोष जो है पहली बुझाने में, और वो देखिए आपको बता रहे हैं, राजदीप जी भी बड़े समझदार हैं, इन्हीं के सामने एक पत्रकार से राहुल गांधी कह रहे थे हवा निकल गई, तो राजदीप जी दांत निकाल रहे थे, अभी आपको बता रहे हैं। तो ये जरूर है कि ये भी है कि अगर वो रोए होंगे तो सागरिका घोष भी रोए होंगे, चूँकि ये मोदी के विरोधी थे। तो अब जो स्थितियाँ जो हमको लग रही हैं, ये दूसरी आपको ममता बनर्जी इस समय अंदर दूसरा इन्होंने क्या किया, आज 5 सांसदों को भेजा है हरियाणा में, और दाता सिंह बाला खनौड़ी, उसमें पंजाब उसके बॉर्डर पे दाता सिंह बाला खनौड़ी में इनके 5 बॉर्डर गए हैं, ड्रेक ओब्रायन, डोला सेन, सागरिका घोष और साकेत गोखले, नदीमुल हक, वहाँ क्या पोजीशन है। अब वो भी कह रहे हैं किसान नेता कि भाई इतने दिन से अनशन ये करने का ही रहते, बंगाल में कोई सपोर्ट नहीं कर, ममता बनर्जी पूरे देश का नेता बनना चाहते हैं, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, अब मोदी के बाद वो खुद सपना देख रहे हैं, इसीलिए रोई, सारी लाइटें बंद कर दी अंधेरे में, ये है वजह। तो देखिए, प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं आफ्टर जवाहरलाल नेहरू, तो एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाते हुए, और दर्शकों 2001 के बाद से प्रधानमंत्री वो शख्स हैं जिन्होंने एक चुनाव भी अपने नेतृत्व में नहीं हारा है। तो देखिए, एक बड़ा रिकॉर्ड बनाए तो ममता बनर्जी बौखलाई, और आपको बता दें कि धीरे धीरे करके भले ही इस बार TMC को बढ़त मिली है, लेकिन कहा जा रहा है कि BJP सेंध लगाने में आगे है, और हो सकता है कि इस बार TMC का कुछ वोट परसेंट कम करने में BJP सक्षम होगी, देखने वाली बात होगी क्या होता है। लेकिन ममता बनर्जी के बयान को आपको मैंने सुनाया, और आपको बता दें कि ममता बनर्जी के लिए कहा जाता है कि कांग्रेस से भी आगे निकली है तुष्टीकरण की राजनीति को खुश करने के लिए। आपकी क्या राय है, जरूर राय रखिएगा। शुक्रिया।